Hi everyone, let's start with the compilation of Arihant 14,000 MCQ questions. And इस सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को और इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई, आंसर वुड बी एक्ट ऑफ 1935. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी लिखा रहे तो आंसर वही होगा. ठीक है, Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? The answer to this would be the Government of India Act 1935. Because आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है हम लोग थ्री फोर्थ हिस्सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसी एक्ट से लिए हैं. How does the Constitution of India describe India as? So India that is Bharat is a union of state. इसको वापस सुनिए, India as a India that is Bharat is a union of state. ये लिखा हुआ है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में. द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और हमारे इंडिया में कहाँ से आया? जस्टिस पी एन भगवती ने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हमारी कंट्री में. किसने लेके आए हमारे कंट्री इंडिया में? जस्टिस पी एन भगवती. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि बहुत बार सुनने में आता है आजकल न्यूज़ में बिकॉज ऑफ UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है, उमर खालिद को उसी के अंडर में लिया गया है. तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मार्क करती हूँ. एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? कि किसी को भी पुलिस कस्टडी में लेना बिना कोई इंटरोगेशन के. तो क्या हो जाएगा? डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन. एंड यू हैव टू सी दी ऑप्शंस, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ के उसके बाद ऑप्शन देना होगा. यहाँ थ्री हो जाएगा, बट अगर वन और टू और फोर में देखें तो क्या होगा? डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंटरोगेशन. ये सब चीज़ मार्क एग्जाम में कन्फ्यूज करता है, तो इसलिए ध्यान रहे कि ये डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन है. What was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? The answer to this would be the Cabinet Mission Plan 1946. This was the basis of constituting the Constituent Assembly. ठीक है, From the Constitution of which country the provision of federation was borrowed? अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए, वो जो था ना कि फेडरल स्टेट हम लोग कहाँ से ये किए थे, वो हो गया था GOI, एक क्वेश्चन जो प्रीवियस देखा हम लोग 1935 के एक्ट से. ठीक है, फेडरल सिस्टम वॉज बॉरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? फेडरेशन, द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन. हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बॉरोविंग्स अगर बोला जाए तो गलत नहीं है. मतलब ये एक्चुअली बैग ऑफ बॉरोविंग्स बोला जाता है बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज से हम लोगों ने कुछ कुछ प्रोविजन्स लिए हैं, जैसे DPSP आयरलैंड से लिया गया है, उसके बाद जो है जुडिशरी का कॉन्सेप्ट USA से लिया गया है. तो ये जो फेडरेशन का प्रोविजन है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये कैनेडा से लिए हैं. लेकिन फेडरेशन और फेडरल वो जो सिस्टम स्ट्रक्चर है ये कहाँ से लिए हैं? GOI से. इसको मत आप कन्फ्यूज करिएगा. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? ध्यान रहे कि महात्मा गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पार्ट ही नहीं लिए थे. ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस. वो तो कांग्रेस ही छोड़ चुके थे ना उस टाइम पे, तो उनको पॉलिटिक्स से नहीं था, वो आ गए थे जन सेवा में, हरिजन की सेवा में. तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी. Who was the chairman of drafting committee? अच्छा, drafting committee है यहाँ पे. ठीक है, और इसके पहले में हम लोग क्या देखे थे? अच्छा, ये question next में आएगा. अच्छा, drafting committee का chairperson बोल रहा है तो ये हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी. और इसके पहले बोला था ना कि chairman of constituent assembly, तो वो हम लोग के राजेंद्र प्रसाद थे. लेकिन drafting मतलब जो draft किया था, तो इसके हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर. ठीक है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया रिपब्लिक इसलिए है बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड. ठीक है, ये आंसर. हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट इज सर B.N. राव. एडवाइजर बोला है, एडवाइजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेस्ट बंगाल पुलिस का एक एग्जाम हुआ था उसमें आया था. ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, आपको बस पढ़ना है और लेक्चर को बार बार सुनिए, बहुत हेल्प होगा, याद हो जाएगा. Which of the following countries has introduced direct democracy? अच्छा, direct democracy क्या है? पहले मैं ये बता दूँ, direct democracy में जैसे आप suppose करिए कि हमारे यहाँ कोई law या कुछ भी बन रहा है, तो उसमें क्या हम लोग से public से पूछा जा रहा है कि आपको ये law चाहिए या नहीं चाहिए या क्या है? ये सब तो कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो क्या ये direct democracy हम लोग का नहीं है? ठीक है, हम लोग का जो है
लॉ मेकर्स जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वहाँ पे लॉ बनता है, मतलब जो पॉलिटिशियंस जो एमएलए एमपीज़ हैं स्टेट में, एमएलएज़ बनाते हैं और एमपीज़ जो है वो सेंटर में बनाते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ पे लोगों से पूछा जाता है कि लॉ इनको चाहिए कि नहीं, ऐसा मतलब लॉ मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म संभव, ये हैं श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अच्छा ये जो है ना, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट कौन है? ऑफकोर्स सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वही हम लोग के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किए थे और बाद में हम लोग के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, लेकिन दो टर्म में बने। उसके बाद जो है तीसरे टर्म में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। लेकिन अगर कोई पूछे कि सेकेंड प्रेसिडेंट कौन है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा इंडिया का, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटन, और बोल रहे हैं यहाँ पे अनरिटन किसका है, अनरिटन यूके का है, यूके का है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन, अच्छा एक आ गया अडोप्टेड, एक होता है इन्फोर्स्ड, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आप कोई चीज़ को अपनाएंगे, अडोप्ट करेंगे तभी तो उसको लागू करेंगे, तो ऐसे याद रखिए। तो पहले क्या होगा? पहले होगा अडॉप्शन, बाद में क्या होगा? इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट जैसे हुआ इंडिया बन गया रिपब्लिक। तो ये ऐसे करके याद रखिए, पहले आप अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर कोई चीज़ मतलब अपना रहे हैं, अडॉप्शन मतलब अपनाना, आप उसको अपना रहे हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उस हिसाब से देखिए कि जिस दिन इन्फोर्समेंट हो रहा है उस दिन हम लोग का रिपब्लिक डे। तो हम लोग फर्स्ट अपना रिपब्लिक डे कब बनाए थे? 26th of January 1950, मतलब कि अगर इन्फोर्समेंट पूछे तो 26th of January 1950। अब 26th of January 1950 में से दो महीना आपको माइनस कर देना है, 2 months माइनस, तो क्या आता है? 26th of November 1949, ये इस बार वेस्ट बंगाल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन? इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज़ समझिए, हम लोग के पास तो सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि आप ये समझिए कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप सपोज करिए कि आप पंजाब के पंजाब स्टेट के रहने वाले, तो आपके पास क्या पंजाब का सिटीजनशिप है? अगर आप तमिलनाडु के सिटीजन हैं तो क्या आप मतलब रहने वाले हैं, आपका डोमिसाइल है, तो आप क्या वहाँ का सिटीजन है? बिहार के हैं तो बिहार का नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो सिमिलरली चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, मिजोरम का हो, या फिर जो है नॉर्थ इंडिया का हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, हम लोग के पास सिर्फ इंडियन का कैटेगरी है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक तो यूएसए का मिलेगा और प्लस जिस स्टेट के प्रोविंस के आप है आपको उसका मिलेगा। तो ये पार्ट तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए, ड्यूअल जुडिशियरी नहीं, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस गया, आपको नहीं पसंद आया, आप नॉट सेटिस्फाइड है, यू गो टू द हाई कोर्ट, नहीं पसंद आया यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू यू नो लाइक इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, ये देखिए, अब मैं आपको यही बोल रही थी, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस रिपीट होगा, और ये क्वेश्चंस देखिए रिपीट अगर इस सीरीज में हो रहा है, बुक में एज इट इज जैसे दिया है मैंने चुपचाप इसको कॉपी किया है, बुक में ही ऐसे रिवाइज करके दिया हुआ है। ये जो है पहले आया था आई गेस CHSL या किसी में आया था, ये CGL जो है CGL 2007 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। Who among the following was the President of Constituent Assembly of India? This we know that Rajendra Prasad, और Constituent Assembly के ही President बाद में India के first President बन गए, मतलब जो Independent India था President बन गए, ठीक है। The convention that once a Speaker, always a Speaker is, ये जो है UK, ये है यूके के उसमें लिखा हुआ है, ये ना NTPC में भी आया था, ये जो अभी इस साल NTPC हुआ टीयर टू, ये उसमें आया था इस साल, मतलब कि 2022 का बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर्स को बार बार देखिए, जो आपको नहीं आता उसको नोट डाउन करके रखिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और लाइक कीजिए। द इंडियन पीनल कोड केम इन टू ऑपरेशन, अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको मार्क कर दूँ, पहले तो आंसर मार्क करूँ, 1862
अब 1860 में क्या हुआ था, 1860 में आईपीसी बना था। आईपीसी जो है वॉज फॉर्म, मतलब इंडियन पिनल कोड जो है उसका स्थापना किया गया था। और उसको लागू कब कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया 62 में, 1862 में। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आँख बंद करके 395। अब आप बोलेंगे कि अमेंडमेंट्स जो होता है, अमेंडमेंट्स होता है ना वो क्लॉज और सब क्लॉज लग जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप देखिए आर्टिकल 21A, 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या है, ये तो बाद में आया ना, तो ये बाद में कब आया और क्यों आया, क्योंकि ये 395 आर्टिकल्स जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना तो उतना ही था और अभी भी उतना ही है। जो कई लोग बोलते हैं कि 400 के ऊपर आर्टिकल्स चले गए, भाई ऐसा नहीं है, वैसे कैलकुलेशन नहीं होता है, वो खाली सब क्लॉजेस, बट नंबर 395 ही है, ठीक है। अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई द फर्स्ट पुट फॉरवर्ड फेडरल, अच्छा यहाँ पे 1939 नहीं 35 होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका आंसर होगा ये, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर बताया ना, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन का प्रोविजन कहाँ से लिया है, कैनेडा से, ठीक है। और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देता है, फेडरल स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे ऑप्शन में कनाडा भी दे देगा, लेकिन हम लोग फेडरेशन लिए हैं कनाडा से, फेडरेशन का प्रोविजन, और फेडरल स्ट्रक्चर 1935 से लिए हैं, ठीक है। व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, तो ये हमारा 27 दिसंबर, मतलब क्रिसमस के 2 दिन बाद, ऐसे याद करिए आप, याद रखने के लिए कि क्रिसमस के 2 दिन बाद जो है हम लोग अपना नेशनल एंथम पहली बार गाए थे। और इसको ऐसे याद रखिए कि 2 दिन बाद है ना, मतलब 25 प्लस 2, तो प्लस टू कैसे होगा, 1 और 1, और 1 और 1 को आप प्लस कैसे कर देंगे तो 2 आएगा ना, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 1911 मतलब 1 1, उसको प्लस किया अब तो 2 आ गया, और आंसर हुआ ऑप्शन डी, कैलकटा सेशन हुआ था। और इसके इस जो सेशन में कांग्रेस के विशे नारायण धर जो है वो हैं आपके इसके इस क्या बोलते हैं उसको हेड नहीं चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप कांग्रेस की उनकी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन, मैंने जो क्वेश्चन आपको पिछले में समझाया, अब आप बताइए क्या होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है पहला रिपब्लिक डे मनाए थे, तो वही हो जाएगा आंसर, उसी दिन फोर्स में आ गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म कास्ट वॉज डिराइव फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस थिंग क्लियर कि हम लोग के ऋग्वेद में वर्ण सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। ये बाद में क्या होता है कि वैदिक सिस्टम जब, मतलब लेटर ऑन जब रिग्रेसिव होते गई सोसाइटी, तब वो हेरिडिटरी बना, ऐसा कोई बात नहीं, कर्म से आदमी को डिस्क्राइब किया जाता, तो और कास्ट हम लोग का नहीं है, कास्ट ही पोर्टुगीज ने लेके आए थे, वर्ण मतलब इनका टर्म है कॉइन किया हुआ। हम लोग में सिर्फ, हम लोग के इंडिया में सिर्फ वर्ण सिस्टम, वो भी ऋग्वेद में एक बार उल्लेख किया गया है। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया मतलब क्या, ग्रेटर इंडिया मतलब हमारा महान इंडिया। क्यों महान बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड हैं। कैसे यूनाइटेड है, इतना कल्चर्स, इतना डायलेक्ट्स, इतना लैंग्वेज, इतना वेरिएशन, बट फिर भी वी स्टैंड एज वन। आप आर्मी में देखिए, आपको हर जगह, हर इंडिया के हर नॉर्थ ईस्ट के पार्ट से लोग दिखेंगे, साउथ इंडिया से दिखेंगे, नॉर्थ इंडिया से दिखेंगे, ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल हर जगह से दिखेंगे ना, तो इसलिए हम लोग का कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर वन, दैट इज आवर कल्चरल यूनिटी। लुक आई एम रीडिंग दी स्टोरीज ताकि आपको याद रहे, मतलब अगर मैं बता दूँ ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये मैं ऐसे बोला था। टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक हो जाता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। हम लोगों के पास क्या है, इंडिया के पास है पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल जो है यूएसए का है, जो बाइडेन है ना, अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हुआ था इस वजह से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, ये हम लोगों ने कर लिया, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए। और एक चीज़ देखिए कि एसएससी इन इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में आया, ये उसके पहले कहाँ आया था ये नहीं देखा था, बट आया है क्वेश्चंस, एसएससी रिपीट करती है, और ये एसएससी कहीं, एक्चुअली एसएससी नहीं रिपीट करती, क्वेश्चंस तो स्टार्टिंग है ना, कितना वेरिएशन, आप 14,000 अगर करके जाते हैं अरिहंत का, मैं आपको बता दूँ तो कितना वेरिएशन लेके आएगा एग्जामिनर भी। आप रिपीटेडली लेक्चर्स को सुनिए, जो नहीं आता है नोट डाउन करिए, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए, विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके।
एंड सोल ऑफ प्रियम्बल, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बोले, मतलब कोई बोले नहीं, मतलब ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला था, वो प्रियम्बल के लिए बोला गया था, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। हार्ट एंड सोल अगर बोला जाए तो ये किसके लिए बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। सिर्फ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाए तो वो प्रियम्बल, जो कि प्रीफेस प्रस्तावना उसको बोला जाता है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, दैट इज इवन इफ द यूके इज गिवन देन दैट विल बी द ऑप्शन। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन, इट गॉट कम्प्लीटेड ऑन द डे वेन इट वॉज अडॉप्टेड, अडॉप्टेड दैट इज ऑन 26th ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन डे 26th ऑफ नवम्बर, एंड द ईयर वुड बी 1949, क्योंकि बताया था कि 26th ऑफ जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। सिर्फ वही स्टोरी है, उसको ही रिकॉल करिए, आंसर्स होते जाएंगे, करते जाएंगे। कंप्लीट हुआ तो अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, और इन्फोर्स क्यों कर दिया, और रीज़न देखिए क्यों है 26th ऑफ जनवरी 1950 के करने का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर सेशन में बोला था कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे 26th ऑफ जनवरी को, तो उस डेट को सम्मान देने के लिए ये किया गया। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये CGL का क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, इम्पीचमेंट कहाँ से आएगा, मैंने बोला था जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, USA से, तो इम्पीचमेंट भी वहीं से आया। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The Constitution of India describes the country as the Union of States. The concept of Constitution was first or originated in the Constitution का basically जो concept है ये कहाँ first originate हुआ, ये Britain में originate हुआ। The provisional president of Constituent Assembly was, he was Dr. Sachidanand Sinha, Sachidanand Sinha. The chairman of drafting committee of the Indian Constitution was, chair drafting committee बोल देने पे B.R. Ambedkar, ठीक है, और chairman of the Indian Constituent Assembly Rajendra Prasad. Who was the chairman of the Constituent Assembly of India, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, Rajendra Prasad. Persons may change but rules should not is the principle of, it is the principle of कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, संविधान रहेगा, तभी ना बोलेंगे कि हाँ इस बेसिस पे हम सेइंग कि हाँ लोग बदलेंगे, मतलब गवर्नमेंट जिसके पास सत्ता है वो लोग तो बदलेंगे ना, एक पार्टी जाती है, कांग्रेस हटी, BJP आई, ऐसे करके स्टेट में भी कई पार्टीज हटती हैं, वैसे मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो लोग तो बदल रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट, लेकिन कौन संविधान एक रहेगा, सो दैट जिस तरह से वो रूल कर रहे हैं वो सेम रहे, बेसिक प्रिंसिपल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो मैटर करे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर द, तो ये जो है ना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है 1946 में आया था, ये उस टाइम पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फसाइज्ड बाई जॉन लॉक आर, सो ये हो जाएगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जिसके तहत हम लोग वोट देते हैं, और उसके बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जॉन लॉक के हिसाब से। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, मतलब ये जो हम लोग हैं ना कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट बनती है हम लोग में भी, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट रहता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स, और कलेक्टिव मतलब कि सब एक साथ जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटेन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया स्विट्जरलैंड के केस में क्या होता है उसमें, कि पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। द इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन, लीगल सॉवरनिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड है। लीगल सॉवरनिटी मतलब क्या है कि मतलब जो सॉवरन को लीगैलिटी दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये जो है राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग, ये रिपीटेड है। हु वॉट इज मेंट वेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द करेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। अच्छा बोल रहा है रिलीजियस वर्शिप इज नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल, सब अपना, हम लोग के इंडिया में कितने सारे धर्म, सब अपना अपना करते हैं ना, गुरुद्वारे जाते हैं सिख लोग, क्रिश्चन लोग चर्च जाते हैं, मुस्लिम लोग
जो है मॉस्क जाते हैं, इन हिंदूज लोग जो हैं टेंपल्स जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। रिलीजन्स आर पेट्रोनाइज्ड बाय स्टेट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं आप देखे हैं हमारे की स्टेट का रिलीजन है, इंडिया का रिलीजन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ इट। ये होगा आंसर। ये बोल रहा है स्टेट कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, और बोल रहा है स्टेट, स्टेट मतलब कि इंडिया, स्टेट मतलब अपना जिस स्टेट में रहते हैं वो मत समझिएगा, स्टेट का एक ब्रॉडर टर्म होता है, मीनिंग मतलब कि इंडिया रिगार्ड करता है रिलीजियस रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है इंडिविजुअल का। मतलब अगर मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, तो वो आपका प्राइवेट अफेयर है ना, उससे स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं है। और एक हिंदू और एक मुस्लिम या फिर एक क्रिश्चियन सिख किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टेट के हिसाब से। 26 जनवरी सिलेक्टेड एज द डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ये क्यों हुआ था, ये मैंने आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से समझाया है कि कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। इसलिए अभी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, लेकिन जब लाहौर सेशन हुआ था 29 का रावीन रद्द, तो उन्होंने बोला था कि जनवरी 1930 में हम लोग जो है 26 को इंडिपेंडेंस डे के दिन की तरह मनाएंगे, मार्क याद रहेगी उस दिन इंडिपेंडेंस डे, लेकिन अब जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विच ऑफ दी फॉलोइंग एडवांटेजेस। यूनिटरी सिस्टम मतलब क्या है कि एक ही मतलब यूनाइटेड तरीके से, तब बहुत सारे लोग हैं ऐसे समझ लीजिए, और उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड है, एक है, वन है, यूनिटरी मेथड। द आंसर टू दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर स्टेट, क्योंकि क्या होगा कि सपोज करिए कि बहुत सारे अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपका जो है, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं बोलेंगे, फ्रिंज एलिमेंट्स पकड़ लीजिए, अगर वो मिलके चलाने लगे तो, बिकॉज जैसे वी हैव अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ एक गवर्नमेंट रहेगी तो डिसीजन इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा इजी रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। अच्छा, स्टेट मतलब आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब नहीं, स्टेट मतलब इंडिया, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो एलिमेंट ऑफ द स्टेट में आप लोग का पॉपुलेशन आ गया, लैंड आ गया और गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। आर्मी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन है तो इंडिया को पहचाना जाता है। आई एम नॉट सेइंग इंडियन आर्मी उसे पहचाना नहीं जाता, बट स्टेट का वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, रेपिटेड क्वेश्चन है, रेपिटेड, जस्ट यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, करते जाइए, बहुत बेनिफिट होगा इस लेक्चर सीरीज से आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, तो ये इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड पार्लियामेंट, सोवरन पार्लियामेंट, ओके। हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट किसको बोला जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा होगा, मतलब बनाया होगा, आर्किटेक्ट उसको बोलते हैं ना, कोई चीज़ जो बनाया रहता है, तो वो आप सोच के देखिए कि कौन हो सकता है जो कि ड्राफ्ट किया हो और उसका चेयरमैन हो, तो कौन होगा, बी आर अम्बेडकर। The concurrent list in the Indian Constitution is adopted from the Constitution of, ध्यान रहे, very very important question, concurrent list Australia से आया था। When was the Indian Constitution adopted? इतना बार बता दिए, अब तो याद हो जाना चाहिए होगा। Adopted, enforcement, पहले अपनाएंगे, adopt करेंगे बच्चे को, उसके बाद उसको बच्चा नहीं, कोई रूल, ठीक है, I'm sorry, लेकिन ये अडॉप्ट कब हुआ था, 26th ऑफ नवंबर 1949, और दो महीने बाद जो है जनवरी में उसको इन्फोर्स कर दिया गया रिपब्लिक डे मनाने के लिए। द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, हम लोग के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको पता ही है, पार्लियामेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस आर्टिकल में लिखा है, कोई बता सकता है? ये आर्टिकल 50, ये मैं आपको बताती हूँ, किसी स्टेट के पीएससी एग्जाम का मैं पेपर देख रही थी, उसमें आया था कि आर्टिकल बात पूछ रहा था कि कौन सा, सॉरी 50 ए नहीं, इसको हटाइए, आर्टिकल 50 डीपीएससी, मतलब आर्टिकल 50, ठीक है, 50 ए, फिर वो आपको कंफ्यूजन हो जाता, आर्टिकल 50 जो है, ए फॉर आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 50 में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंशन किया हुआ है।
अच्छा हम लोग के पास क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर, नॉट पूछा है, नॉट। हमेशा एग्जाम में ना ऐसे करके मार्क कर लिया करिए। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, फेडरल गवर्नमेंट तो है ही यहाँ पे, कि आप एक चीज़ देखिए एग्जाम में आंसर निकालने का तरीका, कन्फ्लिक्टिंग जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन दोनों में से ही कोई ना कोई ऑप्शन रहता है। अब एक ध्यान से देखिए एक चीज़, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपका ना ऑटोमेटिकली ये समझ लीजिएगा एग्जामिनर इन दोनों में से कोई एक आंसर रखा है। फर्दर भी मैं जब डिस्कस करूँगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे टाइप के ऑप्शंस, तो इनमें से ऑप्शन रहेगा। अब आपको पता है कि आप सुनते रहते हैं ना कि पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट में वो हुआ, तो आपको पता है कि पार्लियामेंट मतलब कि संसद भवन में जो है हुआ कुछ, तो मतलब कि इंडिया में वो है। What is the basis of classification of governments as unitary and federal? Unitary and federal, जो अभी हम लोग देख रहे थे ना कि हम लोग के पास फेडरल गवर्नमेंट है और यूनिटरी में क्या होता है, ज़्यादा स्टेट जो है पावरफुल रहता है, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट में रहता है, इसी के बेसिस में हम लोग यूनिटरी और फेडरल ये करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये जो है फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड, इसका आंसर ये इंडियन क्वासी फेडरल होगा, क्वासी फेडरल, के सी वियर ने बोला था ये क्वेश्चन ना आया था एक बार एग्जाम में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स, पता है कब फोर्स में आया, इन फोर्स जब हुआ तभी ना फोर्स में आएगा, 1950 में रिपब्लिक डे में, 26 जनवरी। द स्टेट पजेसेस both internal and external sovereignty, the state possesses both internal and external sovereignty, the government of india act 1935 was based on, ye kis pe based tha 1935, ye jo hai simon commission pe based tha government of india act 1935 ka, theek hai। Who described the government of india act 1935 as new charter of bondage, ये जो है बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये जो है स्लेवरी मतलब हम लोग को स्लेव बनाने के लिए ये लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कस्टोडियन बोलने पे तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल मतलब कस्टोडियन मतलब कौन उसका एक संरक्षण करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रहता अगर ऑप्शन होता, सुप्रीम कोर्ट होता। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े ना हम लोग, स्टेट में क्या क्या रहता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आर्मी वाला नहीं होगा, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पॉपुलेशन, लैंड और उसके बाद जो है स्टेट, तो आप मतलब गवर्नमेंट, तो तीनों ही तो आ रहे हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, 2013 का क्वेश्चन है, वो किसी और साल का था और दूसरे एग्जाम का था। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम क्या है, ये जो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में फॉर्म होता है, ठीक है। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो द आइडियल्स ऑफ इंडियन इंडियन डेमोक्रेसी इज प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल में ही आइडिया दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड सेट कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, तो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में हो जाएगा। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, ये तो जो है अपने गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी स्कीम्स हुआ, कोई भी लॉ हुआ, ये तो गवर्नमेंट अपना उसके थ्रू ही करते हैं ना। When was a Central Legislative Assembly constituted? Central Legislative Assembly के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, Constituent Assembly के बारे में नहीं, ध्यान से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1920। The Constitution of India describes India as Union of States. Repeated question बार बार आ रहा है। The rule of law is a special feature of the constitutional system of, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है हम लोग रूल ऑफ लॉ, ठीक है। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाई पॉपुलर वीटो इज अमेंडिंग द, अच्छा ये मैं एक बार आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है, पहले समझिए कि हम लोग अमेंड कर रहे हैं वीटो के थ्रू, पॉपुलर मतलब कि लोगों के वीटो के थ्रू, ये किससे सिमिलर साउंड कर रहा है, अमेंडमेंट होगा पूछ के, हम लोग से तो पूछा नहीं जाता इंडिया में, ऐसे लॉ मेकर्स करते हैं, किसमें होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ है, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कहाँ कहाँ आया, अब आप देखिए CAPFSI, CISFASI, दिल्ली पुलिस SI, एंड आई एम 110% श्योर ये SSC के भी एग्जाम्स में आया होगा, स्टेट BSP की
दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, पॉपुलर वीटो के थ्रू आप किस में चेंज कर सकते किसके, बिकॉज यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बताया था. सो द आंसर टू दिस विल बी स्विट्जरलैंड. If you find it beneficial, consider subscribing it, liking it, and commenting your doubts if you have any. Which of the following is the inalienable attribute of the parliamentary system of government? Parliamentary system of government का inalienable attribute मतलब जो हटाया नहीं जा सके, जो मिटाया नहीं जा सकता है. So inalienable attribute is the fusion of executive and legislature. Fusion of executive and legislature. And let me expand a little bit कि क्या होता है ना कि executive is responsible to legislature. इस statement को ऐसे भी देते हैं कि executive is responsible to legislature. ये किसका attribute है? तो ये parliamentary system of government का है. ठीक है, I am telling you, if you complete this entire lecture series, आपका constitution और polity बहुत ज़्यादा control में आ जाएगा. आप answers कर पाएंगे आराम से. Grassroots democracy is related to, grassroots मतलब क्या, ground level पे जो democracy किया जाए. तो decentralized, अच्छा पहला option है devolution of power, मतलब कि power क्या concentrate अगर ऊपर एकदम किसी hierarchy में ना रखे, सिर्फ एक top आदमी है वही कर रहा है तो लोकल आदमी का सुनेगा कौन? फिर तो हम लोग को इंस्टीट्यूशन पंचायती राज क्यों इंप्लीमेंट किया गया था? ताकि पावर जो है डिसॉल्व हो पाए, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज हो पाए. और पंचायती राज का एग्जांपल है तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, ये जो है ब्रिटेन से बोरो किया गया है. ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यूएसए से किया गया है. Democratic socialism aims. Democratic socialism मतलब क्या है? Bringing socialism, ये part common है. अब देखिए through किसके अच्छा violent measures, मतलब ये सिखा सकता है किसी constitution में ऐसा लिखा जा सकता है. तो option 2 और 3 तो आप ऐसे ही काट सकते हैं आराम से. अब क्या होगा, option 1 या फिर option 4. So option 4 में क्या है कि democratic means से, क्योंकि सोशलिज्म डेमोक्रेटिक मीन से हम लोग ले आ रहे हैं, वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टार्टेड दैट सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये एसआर बोमाई केस option 2, फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म का उल्लेख जो है एसआर बोमाई केस में. ये स्टेट बीसीएस के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जिसके थ्रू आप वोट करते हैं शोज दैट इंडियन कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं फॉर द पीपल बाई द पीपल जो है ना भैया. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्टिंग बोला है, ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बी आर अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, गोपालाचार्य अय्यंगर थे, बट राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग मतलब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, आर्किटेक्ट्स जो थे. ऑटोक्रेसी मींस मतलब कि कौन होता है, आप रूल बाय, देखो ये जो है ना फ्यू, ये ओलिगोक्रेसी है. ओलिगोक्रेसी ठीक है, रूल ऑफ द किंग जो है, रूल ऑफ द किंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो तो मोनार्की हो जाता है ना, मोनार्की. और एक चीज़ समझिए, ऑटो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ मतलब खुद से, तो एब्सोल्यूट रूल बाय वन. ठीक है, राजा मतलब मोनार्क, तो और फ्यू मतलब ओलिगो, तो वैसा करके हो जाता है. ऑटोक्रेसी मीन्स रूल बाय वन. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स, अभी मैंने बताया कि द किंग एक्सरसाइजेज पावर्स ग्रांटेड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होता है. वॉट इज पॉपुलर सोवरनिटी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे ना, एक पॉपुलर बोल के आता, तो पॉपुलर मतलब क्या, बाई पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन सोवरनिटी ऑफ द पीपल इज पॉपुलर सोवरनिटी. द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड, अडॉप्टेड नहीं अडॉप्टेड. ठीक है, ओ
अडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हम लोग कहाँ से लेके आए हैं, ये हम लोग लाए हैं यूके से, ऑप्शन टू। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, बहुत बार बोल दिया मैंने, अब आई होप कि ये एकदम इनबिल्ट हो गया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1935? किसने सबसे पहले बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलना गलत होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था ये एम एन रॉय, लेकिन ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी है तो एम एन रॉय ने किया था, और कहीं कहीं आपको 1934 भी लिखा मिलेगा। नेम द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड, ये बोरो किया गया था साउथ अफ्रीका से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर्स ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटेन का तो हम लोग देख लिए ना कि अनरिटन था, रिटन हम लोग लिए हैं यूएस से बोरो किए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल डिविजन ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया इज इन इंडिया वॉज डन? सो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो है टेरिटोरियल डिविजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन, ठीक है, ये पहला एक्ट था जिसमें बोला गया था। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड? द्वे शासन डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी? ये तो हम लोग को पता है, B.R. अम्बेडकर। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? ये 46 में की है, फिर 2 years 11 months 18 days लगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 years 11 months 18 days के बाद जो है 26th of November को कंप्लीट हुआ ना 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस? गलत। अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट? बिल्कुल, हम लोग ने पढ़ा ना, मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जो है पहली बार बने फिर दूसरे बार भी प्रेसिडेंट बने, तो ये वही है कि अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स? ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना मुस्लिम्स का, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है, क्योंकि इन लोग बंगाल पार्टीशन कर लिए तो कम्युनल बीच तो वो ही दिए थे, उसके बाद और इसको फर्दर एनहांस किए। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? वी ऑल नो दैट वी फॉलो प्रेसिडेंशियल फॉर्म, सॉरी वी फॉर्म द रिप्रेजेंटेटिव, ये मुझे पार्लियामेंट्री, रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं और पार्लियामेंट्री भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट तो स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंशियल जो है यूएसए में है, और डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज B.R. अम्बेडकर जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स कितनी बार बता दिया, फोर्स में एनफोर्समेंट हुआ ना तब आया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफकोर्स ये तो अब पता ही है हम लोग को। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये PIL का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट किसके बारे में होगा? अगेंस्ट अ जनरल टॉपिक, ये जो एक क्वेश्चन आया था ना कि PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया ने कहाँ से लिया है, USA से, और PIL इंडिया में किसने ये कॉन्सेप्ट इसने उजागर किया था, ये किया था जस्टिस PN भगवती ने, ठीक है। इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, वॉट वॉज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक वेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 26th January 1950? ये एक्चुअली एक रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग का एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ईयर याद रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। उसमें क्या हुआ था ना कि हम लोग SSI, ऐसे याद रखिए, क्वेश्चन ही चेंज हुआ ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है, उसके बाद क्या है कि वहाँ पे SSI
जो है इंक्लूड किया गया था, आई से इंटेग्रिटी ये वर्ड ऐड किए गए थे उस टाइम पे, प्रियम्बल में नहीं थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ठीक है। अगर करंट पूछें तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। लेकिन अब SSI में आपको ये और आई होता, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंटीग्रिटी रिपब्लिक ऐसे करके ये सब, तो उस टाइम पे क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये करंट है और इसके हिसाब से आंसर ये होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये सब ऐड हुआ था, इसलिए तो उस टाइम पे क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। विच रिट इज इशूड बाई अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग। सो ये क्या है, मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी को कंपेल कर रही है कि अपना फंक्शन जो उसका काम है, जो उसका ड्यूटी है, वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो ये उस टाइम उसको कंपेल करता है कि ये करो, ये किस रिट के थ्रू किया जा सकता है, यही क्वेश्चन है। आई गेस देयर वाज अ ग्लिच, मैं आंसर्स एक बार फिर से बता देती हूँ, रिकॉर्ड हुआ नहीं शायद। PIL जो है जनरल टॉपिक के अगेंस्ट में लगता है, ठीक है। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। वॉट वॉज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक वेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स? इट वॉज सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग में तीन वर्ड्स SSI करके याद कर सकते हैं, इंटेग्रिटी सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट, ये तीन जो वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐसे याद रखिए, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये सब बाद में ऐड हुआ था। तो अगर अभी पूछेगी क्या है, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इंडिया है, ठीक है। अब आइए अब क्वेश्चन, विच रिट इज इशूड बाई अ हाई कोर्ट अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा वी रिट ऑफ मैंडमस, वी कमांड होता है, इसका मतलब होता है वी कमांड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, MAND, वी कमांड, ऐसे करके। रिट्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये याद करना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया पहले भी कि आर्टिकल 50 जो है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बताता है, आर्टिकल्स भी पूछ देते हैं, और ये किस पार्ट में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब कि डीपीएसपी। इंडिया कहाँ से लिया है, मैंने पहले भी बताया, याद करिए, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। और आयरलैंड कहाँ से लिया है पता है, स्पेन से लिया है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए कि DPSP जो है नॉन इन्फोर्सेबल इन द लॉ ऑफ कोर्ट, मतलब कि ये इसका अगर हनन हो, अगर ये फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट अगर आपका नहीं हो रहा है, कोई भी जैसे अनटचेबिलिटी कोई फॉलो कर दिया, या फिर आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट में जा सकते, बोल सकते हैं कि मेरे को ये तो इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, मेरे को ये नहीं मिल रहा राइट इंडिया में, तो जो नहीं दे रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। लेकिन DPSP अगर नहीं हो फॉलो, तो आप नहीं जा सकते, इसी का मतलब होता है इन्फोर्सेबल और नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है। Which of the following categories of citizens of the prescribed age may be registered as a voter? I don't know ये कब ये नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ, ये भी कमांड होगा, हाई कोर्ट इशू करता है। उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी मैंने बताया था, आर्टिकल 50 DPSP में फॉल करेगा, ठीक है। Which of the following categories of citizens of the prescribed age may be registered as a voter? ये नॉन रेसिडेंट्स इंडियन जो होते हैं, वो लोग तो कोई पढ़ने गया या फिर कुछ भी सपोज़ करिए गया है बाहर पढ़ने के लिए, तो वो नॉन रेसिडेंट सिटीज़न है फिलहाल के, या कोई रिसर्च वर्क के लिए गया। और बैंक रब तो जैसे विजय माल्या हो गए, तो उसको तो नहीं देंगे ना। क्रिमिनल लोग को वोटिंग राइट देंगे, तो फिर तो वो लोग तो गंदे आदमी को लेके आ जाएंगे ना, और जो पागल है, अनसाउंड है, उसको तो नहीं दे सकते। उसके बाद क्या, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आर्टिकल 19 गारंटी करता है हम लोग को, एक राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये तो हम लोग का है आर्टिकल 14 में। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो आर्टिकल 32 बताया ना, जिसको हार्ट एंड सोल BR अम्बेडकर ने बोला था। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये DPSP में फॉल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड इन लोकसभा ओनली? ये इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल, ठीक है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल?
अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है कि जो अगर हनन होता है फंडामेंटल राइट्स कोई फॉलो नहीं, सपोज करिए कि आपका राइट टू राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 कि कोई आप छुआछूत फॉलो करे तो उसको पनिशेबल ऑफेंस है ये अगर आप करेंगे तो क्राइम है ये, तो अगर कोई ऐसे करता है कि आप अनटचेबल आपको कंसिडर कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब कोई भी कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो ये इन्फोर्सिएबल है, ठीक है। लेकिन DPSP का हनन हुआ तो आप जाके नहीं बोल सकते कि ये मेरे साथ गलत हुआ, आप जो है इसको सजा दीजिए, ठीक है। तो ये किसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट करता है, ये रिट के थ्रू करता है, जो हम लोग पढ़े ना वी कमांड वो रिट था। अंडर द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP अप टू विच एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये 14 14 साल के बच्चों तक, ठीक है। द टर्म सेक्युलर मैंने बताया था ये डिस्क्रिप्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, द आंसर वुड बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैंने 46 लिख दिया था तो ये 76 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है बोल रहे हैं, तो राइट टू इक्वालिटी तो है, राइट टू प्रॉपर्टी मैं बताती हूँ, राइट टू लिबर्टी भी है, राइट टू लिबर्टी मतलब वही फ्रीडम जो आर्टिकल 19 में शुरू होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वॉश्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्श्योरी, ठीक है। ये भी रिट में आता है, 5 तरह के रिट है। सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज, सिविल इक्वालिटी का मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था, SSI करके याद रखिए, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, तो क्या नहीं होगा, डिग्निटी, डिग्निटी जो है नहीं है इंक्लूडेड। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाई, ये कैसे चेंज किया जा सकता है, चुपचाप ये सिंपल मेजोरिटी के साथ इंडियन पार्लियामेंट का पार्लियामेंट जो है वो एक स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकती है या फिर स्टेट को रीनेम कर सकती है। विच इज़ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, पॉलिटिकल पावर का सोर्स जो है क्या है यहाँ पे, तो पॉलिटिकल पावर वी द पीपल, मतलब इंडियन पीपल जो है पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। अच्छा अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट है, तो पॉलिटिक्स का राइट इसमें क्या, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, बिल्कुल राइट टू इलेक्शन तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, तो ऑप्शन टू हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आइए, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू, अब ये किसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स आते हैं, अब अभी मैंने हम लोगों ने बोला था ना कि अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल है और इसका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि रिट्स, 5 तरह के रिट्स आते हैं आर्टिकल 32 में, तो इसके थ्रू करते हैं ये लोग रिजॉल्व इसको कि आपका हनन हुआ, ठीक है अब रिट के थ्रू जो है इन्फोर्स कराएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। Which of the following writs of the High Court or the Supreme Court is sought to produce the person in the court, a person suspected to be missing in the custody? तो habeas corpus बोलते हैं इसको, corpus मतलब ना body, ठीक है, और habeas मतलब to have the body, habeas मतलब to have the body, to have the body, ठीक है। To which of the following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration? इसका आंसर होगा मनी बिल, देखिए प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के परमिशन से ही मनी बिल जो है लोकसभा में आता है, ठीक है, और उसमें उसका कुछ बोलना नहीं रहता प्रेसिडेंट का, वो चुपचाप जो है सेंड बैक नहीं करता उसको, ठीक है। वेयर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में जो है DPSP में बोला हुआ है, और तीन तरह का जस्टिस ना प्रियम्बल में भी बोला हुआ है, तीन तरह का जस्टिस, वो क्या है, वो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम लोग को पॉलिटिकल एंड सोशल राइट इज ऑफकोर्स प्रेजेंट, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, सोशल राइट भी है, एजुकेशनल राइट तो है, इकोनॉमिक राइट नहीं है, राइट टू रिलीजन ऑफ कोर्स है, तभी तो सब कोई आराम से पूजा वूजा कर पाते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में क्या मेंशन नहीं है,
तो प्रियम्बल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जो है नहीं, नॉट मेंशन होता, मेंशन नहीं, जस्टिस के बारे में है, फ्रेटर्निटी के बारे में, और इक्वालिटी ऑफ पोजीशन के भी बारे में है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये दो तरह के लेवल पे होता है, एक होता है रिलीजन और एक होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, दो तरह से होते हैं, एक लिंग्विस्टिक बेसिस, दूसरा रिलीजन, तो यहाँ रिलीजन ऑप्शन में है, ठीक है। और ये कलर या फिर कास्ट के बेस में या फिर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप, ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ रिट ऑफ मैंडमस कैन बी इशूड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू, अब मैंडमस के बारे में क्या बताया था अभी जो था कि ऑफिशियल अगर काम ना करे हो तो उसको अपनी ड्यूटी को बोलने के लिए कि आप ये काम करिए, तो ये उनके लिए है, मतलब वी कमांड। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज, राइट टू वोट किस तरह का जो है राइट है, तो ये राइट टू वोट जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको स्क्वॉश कर दिया गया था। द फंडामेंटल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाई, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो ये हम लोग लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब बोला है ये रिट के बारे में वापस बात कर रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस पर्सनल फ्रीडम। द रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाई, इट इज इशूड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वालिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाई द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एक सेकेंड हाँ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे टिक होगा, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन थ्री, ठीक है। अ रिट इशूड बाई सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटीज, ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कब बोलते हैं, कौन से रिट के थ्रू, मैंडमस के थ्रू, ठीक है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन सिटीजनशिप बी अक्वायर्ड, अच्छा मैं अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप ब्रांड वर्ड याद रखिए, BRAND ब्रांड वर्ड से याद रखिए कि सिटीजनशिप अक्वायर किया जा सकता है, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, अक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी, ठीक है, नेचुरलाइजेशन और बाय डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या जो है यहाँ पे बर्थ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट से नहीं होगा, रिक्वेस्ट से नहीं होगा, ऑप्शन फोर कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, डिसेंट मतलब हेरिडिटरी, ठीक है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन टू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल, ये केशवानंद भारती केस जो हुआ था ना उसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अनअमेंडेबल है फंडामेंटल राइट्स। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, ये मैंने बताया था कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, ये इसका हनन होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा DPSP पूरा नहीं हो रहा है, फिर मेरे को राइट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक तो पहले से ही था, मतलब सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एड हुआ 42nd अमेंडमेंट, तो बचा क्या फेडरल, आंसर आपको ऐसे फिगर आउट करना है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, अच्छा अब जो है ना ये आपको बताना पड़ेगा कि किस, मैंने जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला था ये आया कब था, ये आया था मुरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे 1978, ठीक है। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये क्या इंक्लूड करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में एक्चुअली मतलब पूछ रहा है कि क्या क्या है,
टू ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट, बिल्कुल आउट नहीं, आउट नहीं, विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट, ये बिल्कुल है. अच्छा, उसके बाद तो एक बार के लिए एक्चुअली यहाँ पे मतलब हम लोग से पूछा था कि इंक्लूड्स, तो ये तो हो गया आंसर. हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन, नहीं ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. ड्यूटी टू प्रमोट द सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल, नहीं ये भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. ड्यूटी टू स्टिक टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हूज, इतना तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं. तो ऑप्शन वन हो जाएगा आंसर. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSP? DPSP किस पार्ट में है? अच्छा, ये पार्ट वन, जो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फोर ए. तो आपको मैं ये बता दूं कि पार्ट वन में जो है ना इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स आ गया, पार्ट टू में सिटीजनशिप आ जाता है, पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, पार्ट फोर में DPSP आता है, पार्ट फाइव में यूनियन एंड स्टेट्स आता है. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कितने तरह के रिट्स हैं ये लोग पूछ रहे हैं. तो रिट्स जो है पाँच तरह के रिट्स हैं. द प्रियम्बल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, तो मैंने बताया ना, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऐसे बार बार सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ना यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कस्टोडियन, इसके बारे में हु इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो वो हो जाएगा ऑफकोर्स हम लोग का जुडिशरी से रिलेटेड. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, अभी बताया था पार्ट थ्री. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अभी प्रेजेंट में है. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, फंडामेंटल राइट्स किसको नहीं दिया जाता है. तो देखिए, बैंकरप्ट पर्संस का भी फंडामेंटल राइट विजय वाले चला गया, बट वो उसको बेसिक फंडामेंटल राइट्स 20-21 ये तो दिया जा रहा है. ठीक है, मतलब जो भी है. और पीपल सफरिंग इनक्यूरेबल डिजीज, उनको तो देना ही पड़ेगा. पॉलिटिकल सफरर्स भी, लेकिन एलियंस को नहीं दिया जाता है, एलियंस को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाएगा. ठीक है, कंसेंट ऑफ इंडियन पीपल मींस कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल. कंसेंट मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि देखिए विद द कंसेंट ऑफ द इंडियन पीपल, आप पकड़ लीजिए कि एक गवर्नमेंट बनी. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं है ना कि सबने चूज किया, कुछ लोग हैं जो नहीं किया, तो मेजॉरिटी जो चाहेगा वही होगा. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसा. ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है. Which one of the following is the guardian of fundamental rights? Fundamental rights का कौन ये करता है, तो ये judiciary है, ये भी बता दिया मैंने. The idea of DPSP was borrowed from the framers of the Indian Constitution, from the Constitution of Ireland. और Ireland किससे लिया था, खुद वो स्पेन से लिया था. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के किसी एग्जाम में आया था. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को कौन सा राइट दिया गया है. ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, सॉरी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो है इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है. द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मैंशन ऑफ, ये प्रियम्बल जो है अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे SSC ने पूछा था, उसके बाद ये FCI ग्रेड 2 एग्जाम में भी पूछा गया अडल्ट फ्रेंचाइज. तो क्वेश्चन बेसिकली रिपीट होते हैं, आप लेक्चर्स को देखिए अच्छे से, आपको बहुत हेल्प मिलेगा. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSP, तो DPSP में बताया था ना कि पार्ट 2-4 में है. फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई फंडामेंटल ड्यूटीज वंस इन कमिटी के रिकमेंडेशन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एड हुआ था. सेक्युलर स्टेट इज वन विच, जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं, ये मैंने बहुत इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है पहले. फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू, फ्रीडम ऑफ द प्रेस में क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसमें आता है. ठीक है, हिडन है लेकिन उसी में आएगा. स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर दोनों रहे तो वो रख लगाएंगे. फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द इंडियन सिटीजन्स
फंडामेंटल राइट्स गारंटीड ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन्स, इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है ना जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, जैसे 2021, ठीक है, क्योंकि उसमें राइट टू लाइफ और ये है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं लगते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैन बी सस्पेंडेड, मतलब आर्टिकल 19 जैसे वो सस्पेंड हो जाएगा। अ रिट इशूड बाई द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इज नोन एज, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिट जो है इशू किया जाए वो हेबियस कॉर्पस होता है, ठीक है, मतलब वो रिट हेबियस कॉर्पस है। द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग द DPSP इन द स्टेट पॉलिसी, ये वेलफेयर स्टेट DPSP जहाँ देखे वो वेलफेयर स्टेट के लिए किया गया था DPSP, ठीक है, वेलफेयर स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल, ये तो हम लोग डिस्कस किए, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और बोलते बोलते अब ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है, आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, स्प्रेड इट अमंग योर फ्रेंड्स, शेयर इट एंड लाइक इट इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 5 years, बीन कन्विक्टेड बाय अ फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ, वॉलेंट्री अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हो गया आंसर। और एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट, नहीं एम्प्लॉयमेंट काम करने तो बहुत लोग ही जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, तो उसके वजह से हम लोग सिटीजनशिप ले लेंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है ना हम लोग का, राइट टू इक्वालिटी। और देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन 2009 में आया था, लेकिन ये फंडामेंटल राइट इसको नहीं बोलेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी था लेकिन हट गया, राइट टू गवर्न क्यों सबको दे देगा, ये तो लॉजिकल है ना, इलेक्शनों के आएगा। राइट टू फ्री एजुकेशन विद इन सर्टन लिमिट्स इज, देखिए अब राइट टू फ्री एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है बच्चे का, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है पेरेंट्स का और DPSP में भी इंक्लूडेड है। नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। द रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस इज इशूड इन द इवेंट ऑफ, अब हेवियस कॉर्पस मैंने बताया ना कि कॉर्पस मतलब बॉडी, तो बॉडी मतलब क्या, डिटेन कर लेगा उसको, तो रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये कहाँ होता है, ये जो है ना ये यूनिवर्सल है, सब सब कोई जाते हैं कि मतलब वोट देने तो कौन कौन, मतलब एकदम बहुत से बहुत अमीर आदमी भी जाएगा और एकदम जो बहुत पुअर लोग हैं वो लोग भी जाएंगे, तो इसमें जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी दिखता है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर एडेड टू, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि ये पार्ट 4 में जो है। Under which of the following writs an official can be prevented from taking an action which he is officially not entitled? तो ये एक्चुअली मैंडमस के थ्रू जो है इसको रोका जाएगा। In the Constitution of India, the fundamental rights perform fundamental rights, ये क्या है बोल रहे हैं, ये were added by Parliament in 52 नहीं for the 42nd amendment, ये originally था, तो formed a part of the original Constitution, किसी amendment से नहीं act हुआ fundamental right। Which one of the following writ is issued to the courts, corporations, government servants or person directing to perform their public duty? ये तो बहुत बार डिस्कस किया, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है मतलब कि मैंडमस, ठीक है। इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रिकग्नाइज्ड एज, ये लीगल राइट है, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हटा ना 1978 में, उसके बाद से इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा हटा के इसको लीगल राइट का दर्जा मिल गया। राइट टू वोट क्या है, राइट टू वोट जो है वो एक राइट टू वोट जो है वो अब एक बन चुका है पॉलिटिकल राइट। विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर इज लाइक द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ठीक है। वॉट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी नाउ, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, लीगल राइट। Which of the following literally means what is your authority? Kyo warranto जो है
वही बोलता है इसका। और हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, प्रोहिबिशन मतलब किसी को रोकना, सर्शरी मतलब कि कोई ऑर्डर, कोई कुछ कर दिया ऑलरेडी लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उस ऑर्डर को क्वैश करती है और उसके बाद लगाती है कि नहीं ये सही चीज़ है। वॉट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, तो ये जो है उनका आदमी मतलब वी द पीपल इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अ कोर्ट इन्फोर्सेज इंजॉयमेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट यूजिंग रिट, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो कोर्ट जो है रिट ये करेगा। पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पॉलिटिकल राइट इसमें से कौन कौन सा नहीं है, देखिए राइट टू लाइफ ना ये हम लोग का हो जाता है फंडामेंटल राइट, सो ये पॉलिटिकल राइट होंगे, लेकिन राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू लॉज कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब जो है आपका पॉलिटिकल राइट में आएगा। ठीक है, वॉट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर इट्स सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट, ये जो है 18 ईयर्स, ये तो सबको पता है, लेकिन पहले क्या था 21 ईयर्स, ये जो है चेंज किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू और ये राजीव गांधी ने चेंज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये तो जो चीज़ हटा है वही होगा कि हट गया है तो फंडामेंटल राइट नहीं, अब लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। वेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था तो ये 1976 में होता। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए 6 है ना, आप इसको याद कैसे रखेंगे, 42nd तो 4 + 2 = 6। और एक चीज़ आपको बता दूँ, 44 कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बोल रही हूँ ना कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, इसका ईयर कैसे याद रखेंगे, 78, तो 8 कैसे है, 4 + 4 = 8। ठीक है, आई होप मैं समझा पाई खुद को, कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, अच्छे लगने पे बता भी दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छा लगा, इसे समझ आया, याद रह गया। विच इज़ दी कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप कौन, ये सब जो है ना ये पार्लियामेंट के अंडर में है सिटीजनशिप। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इट्स सिटीजन्स थ्रू, ये प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के थ्रू जो है इसको अश्योर किया जाता है। द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज, इट इज़ अ सिविल राइट, राइट टू पब्लिक ऑफिस इज अ सिविल राइट, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज वॉट, ये एक पॉजिटिव ड्यूटी है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ड्यूटी की, तो ये तो गलत बात है ना, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है क्या आपका ही प्रॉपर्टी। अच्छा एक सेकेंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूटी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सिविल ड्यूटी है। ठीक है, मतलब ये सिविलाइज सोसाइटी का ड्यूटी है कि हम लोग गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं डिस्ट्रॉय करें। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल का ड्राफ्ट किसने प्रस्तुत किया था, तो वो ड्राफ्ट जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डुअल सिटीजनशिप इज़ अ फीचर ऑफ, ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ये है क्योंकि पार्लियामेंट्री में डुअल सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है। ओके, असेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द, ये किसको, ये हम लोग जुडिशरी को देंगे, तो वो एसेंशियल फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन लाई ओनली अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मतलब ये प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है रिट, ये कौन सा रिट, ये जो है मैंडमस है। ठीक है, ये सिर्फ ये प्राइवेट को नहीं बोल सकता है, तो ये इसलिए मैंडमस बोलेंगे इसको। ठीक है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज इन आवर कंट्री स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट मतलब बार बार बता चुकी है, कंट्री को रेफर कर रहा है। विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है ये फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है। DBSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टेकन फ्रॉम, ये हो गया है आयरलैंड। अरे DBSP आयरलैंड, ठीक है। अच्छा, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, इट इज़ नाउ अ लीगल राइट, रिपीटेड क्वेश्चन सर। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन, तो ये पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, मतलब कि एक डेमोक्रेसी में कितना लिबरल लिबर्टी है कि आप जो है चूज कर सके अपने प्रतिनिधित्व को, उसके बारे में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट, एक ही आंसर होगा इसका, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन का जस्ट तरीका पूछने का बदल दिया, आंसर वही है। DBSP ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टेकन फ्रॉम, बहुत बार बता दिया आयरलैंड। ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट,
The success of democracy depends upon right to personal liberty. Citizens of India can vote. Voting age पूछ रहा है, 18 साल के होते ही वोट देने जाते हैं ना भाई. According to preamble, the ultimate power lies in the hands of people of India. We the people of India ऐसे करके शुरू होता है. तो people of India. Dual citizenship is an important part of फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, रिट्स आर इशूड बाई हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स दोनों ही. ठीक है, उसके बाद क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, अभी बताया था मैंने, 1876 42nd 4+2=6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हम लोग, यूएसए से. फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, डीपीएसपी आयरलैंड से, आयरलैंड ने किससे लिया था, स्पेन से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट, तो ये जो है राइट टू वोट जो है वो पॉलिटिकल राइट है. हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है, तो ये जो है आपका पार्लियामेंट जो है लगा सकते हैं. ठीक है, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन 1950. ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड, ड्यूटीज कहाँ पे इंश्राइंड है, पार्ट 4A. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये इंक्लूड किया गया लेकिन फंडामेंटल राइट में नहीं. राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीच है, राइट टू लाइफ है. वॉट इज मेंट बाई सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि, तो ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड, तभी सोशल जस्टिस अटेन हो सकता है. ठीक है, डैश आर एसेंशियल फॉर लिबर्टी, तो एक बात समझिए कि राइट्स अगर रहेगा तभी ना आपको राइट है कि आप कहीं भी इंडिया में जाके सेटल हो पाए. ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो 19 आर्टिकल बोलता है उसके अकॉर्डिंग लिबर्टी है, तभी तो आप जो है मतलब फ्रीडम है, लिबर्टी मतलब क्या, फ्रीडम, तभी ना जाके रह पा रहे हैं. तो राइट्स आर यू, सिंस यू हैव द फंडामेंटल राइट, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू डू इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाई द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन पे हेबियस कॉर्पस मतलब उसको बस बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं. टू विच कैटेगरी राइट टू वोट बिलोंग्स, राइट टू वोट बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल राइट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट, जिसमें ऑफकोर्स स्टेट का खुद कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं तब तो इस्लामिक स्टेट जैसे ऑफ पाकिस्तान की तरह हो गया. स्टेट विच इज एंटी रिलीजन, नहीं एंटी रिलीजन नहीं है, जिसको जो माने वो करे, जो वो रिलीजन फॉलो करे. द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, बिल्कुल आंसर विल बी 3. एंड स्टेट विच एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज रिलीजन्स ऑफ स्टेट, नहीं रिलीजन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट विदाउट एनी रिलीजन रहेगा, लेकिन उसके लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते होंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा उन रिलीजन के खिलाफ. फिल अप राइट डैश ड्यूटीज, ये ना एक फ्रेज है कि राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज. ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर गारंटीड इनिशियली, कितने फंडामेंटल राइट्स थे इनिशियली, देयर वेर 7 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, हाउ लिबर्टी कैन बी एलिमिनेटेड, लिबर्टी को आप कैसे मतलब हटा सकते हैं, लिबर्टी को आप उसको लॉ के द्वारा आप जो है ये कर सकते हो, जैसे कि पहले एक एग्जांपल देते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी था आपका फंडामेंटल राइट, तो आप प्रॉपर्टी कहीं भी खरीद सकते, तो फ्रीडम था, लिबर्टी थी आपको, फिर एक लॉ लेके आया गया कि उसको लीगल राइट बना दिया कि ये प्रोविजंस है, तो क्या हो गया, लॉ आया तभी तो लिबर्टी फ्रीडम आपका लिमिटेड हो गया है ना. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इज बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी. ठीक है, बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी. Which one of the following kinds of equality is not compatible with the liberal notion of equality? इसका आंसर हो जाएगा economic equality. Economic equality is not compatible with the liberal notion of equality. Political liberty means, political liberty, अब ये question ना बहुत important है. ठीक है, और ये repeated आता भी exam में, आप देख सकते हैं कि CAPFSI, CISF, Delhi Police, ये सब में आया हुआ है. ठीक है,
तो पॉलिटिकल लिबर्टी एक्चुअली है क्या? फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई करना चाहे वो फ्रीडम रहे पीपल लोगों को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चार्ट लेके बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्लियरली लिखा है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्परमेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. वेयर वेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड 76 में हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन 11. द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP, ये देखिए ये क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आयरलैंड और उसके बाद आयरलैंड किससे लिया है, स्पेन से. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल. फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से, कौन से पार्ट में है, पार्ट सी. इतना सारा एग्जाम, यू थिंक कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा या फिर हुआ नहीं, पहले भी तो देख चुके हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. The DPSP incorporated in the Indian Constitution have been inspired by the Constitution of DPSP Ireland. So, very important. In which of the following articles citizenship rights of the people who migrated from Pakistan to India is mentioned? तो आर्टिकल 6 में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है दैट सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया 6 में. द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, ये तो अब मैं ना भी बताऊँ, मार्क ना भी करूँ तो आप लोगों को पता होगा. द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अथॉरिटी कहाँ से लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया से. विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर. ये इक्वालिटी है क्योंकि, अच्छा नहीं ये इक्वालिटी नहीं, ये फ्रेटर्निटी में जाएगा. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, मतलब कोई एक दूसरे को इन्फीरियर नहीं महसूस करवा रहा. इक्वालिटी तो तब आएगा कि मतलब ये उसका राइट है कि उसको जो इन्फीरियर फील करवा रहा है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेने पाए, वो चीज़ है. ठीक है, लेकिन फ्रेटर्निटी मतलब मैं आपके साथ बहुत सद्भावना के साथ हूँ, आप मेरे साथ है और बाकी सारे इंडिविजुअल्स के साथ है, तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग भाईचारा, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी जो है स्प्रेड कर रहे हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, एकदम फंडामेंटल राइट्स. 32, आर्टिकल 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट टू इक्वालिटी देता है, रिलीजियस फ्रीडम भी देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज भी देता है. तो आंसर हुआ एजुकेशन फॉर ऑल. तो PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर्टेल, DPDA तो राइट टू फ्रीडम जो है कर्टेल कर रहा है. आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट मैंने बताया था ना, जैसे ही दिखे DPSP मार देने का. इंडियन सिटीजनशिप इज गारंटीड बाय, गारंटीड किसके द्वारा किया जाता है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में है. ठीक है, तभी ना वो क्रोनोलॉजी समझिए बोलते हैं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है. द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, ये अभी बताया ना ब्रदरहुड, वही है मीनिंग पूछ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज और आर कॉम्पिटेंट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तब वही लोग ना रिट इशू करते हैं. अच्छा अब आ जाइए, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड इन, ये कौन से में ज़्यादा स्टेबल रहे, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसका टेन्योर पूरा करने के बाद उसको निकालेंगे, अंटिल अनलेस कुछ बहुत ही गड़बड़ हुआ. हमारे में तो सरकार गिरा सकते हैं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म में, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आके. अकॉर्डिंग टू, और बताइए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पता है कहाँ पास किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में. और दो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में 6 महीने का गैप तो ज़रूर रह सकता है, और मतलब रहना पड़ेगा. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 50 मेंबर तो मिनिमम चाहिए होते हैं. ठीक है, कि आपको 50 मेंबर के साथ ही आप इनिशिएट कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन. अब प्रेसिडेंट को कितने महीने, जैसे वैकेंसी कब कब हो सकता है, डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट. ठीक है, वैकेंसी उसमें नहीं कि प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी जो है वो गए हैं या गई हैं कोई विदेश दौरे पे, कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए या फिर कुछ भी, और पता चला कि यहाँ पे जो है उनका चुनाव होने लगा. नहीं, ऐसा नहीं है. 3 चीज़ में वैकेंसी हो सकता है, डेथ, रेजिग्नेशन या फिर इम्पीचमेंट.
इसका आंसर हो जाएगा 6 months. ठीक है, 6 months उनके वैकेंसी के बाद एक ले आके, नहीं तो अदरवाइज प्रेसिडेंट नहीं रहने से वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का ड्यूटी निभाते हैं वो भी नहीं रहेंगे, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्ला खान ने ये किया भी था, वाइस प्रेसिडेंट भी एबसेंट और प्रेसिडेंट भी एबसेंट, तो जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्ला जी. अच्छा, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विथ, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहता है और पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. द मिनिमम एज ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, इट शुड बी 30 years. ठीक है, 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा, 35 गवर्नर प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये सब मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है. हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यस, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट, यस, एक सेकेंड, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट बोला है, ये नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, ये गवर्नर करता है. ठीक है, गवर्नर, ओके, आई मेड अ मिस्टेक, फॉरगेट अबाउट दैट. देखिए यहाँ पे ना वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है. ठीक है, वैसे पीएम का भी इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट नहीं, तो सॉरी उल्टा बोला मैंने, पीएम का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं, लोकसभा एमपीस का इलेक्शन होता है और पीएम अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है, लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा. चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी ये करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, और चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम को भी प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट. वॉट इज द पीरियड विद इन विच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड बाई प्रेसिडेंट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल, ये विद इन 1 month करना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी का बात है तो विद इन 1 month. अ मनी बिल पास्ड बाई द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाई द राज्यसभा ऑल्सो वेन नो एक्शन इज टेकन बाई दी अपर हाउस, मतलब कि राज्यसभा का तो मनी बिल में कोई वो रोल नहीं रहता है, तो अगर वो पास नहीं भी करे तो भी 14 दिन में अगर रख के रखा है तो भी वो अपने आप पास हो जाएगा. वॉट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, 6 months, 6 months, याद रखिए 2 सेशन 6 months, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का बताया. द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन, ये वही क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मेशन चेंज कर दिया, 6 months. Who among the following decides if a particular bill is money bill or not? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ लोकसभा बोले तो वो भी स्पीकर ही होते हैं इसलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो MP फ्रॉम राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से नहीं है. एस्टिमेट कमेटी के जितने सारे मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं लोकसभा से रहते हैं, 30 के 30, और सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी यही है. हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली चेक्ड, ये जो है ना इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं. लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव दायरे से ज़्यादा बढ़ के, मतलब कोई लॉ अगर पास किया गया है तो जुडिशियल रिव्यू से इसको चेक किया जा सकता है, मतलब तुमने ज़्यादा किया है लॉ लेजिस्लेचर होके, तो अब किसी ना किसी को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो जुडिशियरी जब आती है चेक करती है तो वो हो गया जुडिशियल रिव्यू. नो मनी बिल कैन बी, अच्छा जुडिशियल रिव्यू टर्म ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि वेयर इज जुडिशियल रिव्यू मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर कुछ भी दे दे, Part 3, 2, 4, 5, 6, वो सब कुछ नहीं लिखना, चुपचाप नन ऑफ द अबव लिखना, नो वेयर मेंशनड. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, लेकिन बात एक समझिए कि प्रेसिडेंट से ही तो पूछ के मनी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बाद में प्रेसिडेंट अटकाने क्यों जाएगा. राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर दैन द लोकसभा इन द केस ऑफ सेटिंग अप ऑल इंडिया सर्विसेज, Article 312. ठीक है, हु इज कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द राज्यसभा, राज्यसभा को कौन डिजॉल्व कर सकता है, राज्यसभा को डिजॉल्व कोई नहीं कर सकता है, राज्यसभा वैसी की वैसी रहती है, नन ऑफ दीज.
पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू बी एज अ फंडामेंटल राइट. ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल मतलब ना उन्होंने बोला था, सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डायरेक्टली नहीं है लेकिन राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट में है. देखिए आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके आराम से पूछिए, कोई भी क्वेश्चन में हो कहीं भी गलत ऐसा लगे कि मैंने गलत बता दिया फिर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं वापस उसको एक्सप्लेन करूँगी. फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. पसंद आ रहा है तो लाइक करें एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल सो दैट यू रिसीव एन अपडेट. मैं पूरा कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स का करूँगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो MP फ्रॉम राज्यसभा. ये एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है. फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये तो पता है DPSP देख के आयरलैंड, ठीक है. द रेसिड्यूरी पावर्स नॉट मैंशनड इन यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आर वेस्टेड इन, ये देखो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट में यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में पार्ट करते हैं. उसके बाद भी कुछ जो है ना ऐसे रेसिड्यूरी पावर्स रह जाते हैं तो वो किसके हाथ में, ये पूछ रहे हैं. तो वो यूनियन पार्लियामेंट के अंडर में है, तो यूनियन पार्लियामेंट आने से मतलब बहुत राज्यसभा और लोकसभा हो गया है ना. वॉट इज़ द कम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड भी रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं, ठीक है, ओके. द फंक्शंस ऑफ प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का क्या फंक्शन है, उनका यही है कि जब तक एक नया असेंबली सेलेक्ट करके वापस से प्रॉपर मतलब स्पीकर नहीं आ जाए तब तक स्वियरिंग इन सेरेमनी वो कराते हैं. मतलब कि सपोज करिए कि 16वीं लोकसभा के ख़त्म हुआ उसके बाद इलेक्शन हुआ ना तो 17वीं शुरू होंगी तो MPs इनके जो हैं ये तो ओथ लेंगे, एक स्पीकर फिर चूज करेंगे ना वन अमंग देमसेल्स. तो इस बीच में ये सब करवाने के लिए तो एक आदमी चाहिए ना 16 से 17 के बीच में, तो वो कौन रहेगा, वो प्रोटेम स्पीकर रहेगा. तो स्वेयरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड. हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. एक पैनल बना के ऑलरेडी स्पीकर रखते हैं, ठीक है, कि उनके और उनके मतलब डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस में वो आदमी काम करे. द पार्लियामेंट इंक्लूड्स, अच्छा पार्लियामेंट ना 3 पिलर्स हैं, कौन कौन, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. वॉट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये मैंने बताया था आपको कि ये 30 साल हो जाएगा. द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किसके प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज 6 मंथ्स. ओके, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, इट बिलोंग्स टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, मतलब कि स्टेट और यूनियन दोनों इस पर बना सकते हैं. वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड नंबर्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये जो है आपका हो जाएगा 2 इलेक्टेड, नॉमिनेटेड 12 रहते हैं, 250 जो है ये है तो इसमें से माइनस कर दीजिए 238, ठीक है. ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मैंने बिल पास भी होना रिजेक्टेड बाई दी अदर्स, टैक्सेज अप्रूव बाई वन रिजेक्टेड बाई अनदर एंड बोथ 2 और 3. इसका आंसर होगा बोथ 2 और 3 क्योंकि एक हाउस ने बिल पास कर दिया है रिजेक्ट कर दिया है दूसरे ने तो वो होगा ज्वाइंट सेशन, और नेशनल इमरजेंसी में कोई हाउस वाइज नहीं बुलाया जाता है, टैक्सेज अप्रूव एंड रिजेक्टेड बाई दी अदर, ये भी होगा. द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज ऑन अ स्टेट ऑफ इंडिया वेन, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है ना मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कोई स्टेट में, स्टेट मतलब यहाँ पे इंडिया नहीं, स्टेट इन इंडिया बोला है, मतलब कि कोई भी एक स्टेट राज्य जैसे कि उत्तराखंड UP ऐसा करके पकड़ लीजिए, तो प्रेसिडेंट रूल लगता है. इन इंडियन पार्लियामेंट अ बिल मे बी सेंट टू अ सेलेक्ट कमिटी, इसका आंसर होगा एट एनी स्टेज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर, कोई भी स्टेज पे भेजा जा सकता है एक सेलेक्ट कमिटी को, एक सेलेक्टेड कमिटी को इंडियन पार्लियामेंट के, ठीक है, एक बिल. वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर,
located, enabling the सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन क्लाउस काउ स्लॉटर. ये ना आर्टिकल 48 ऑफ DPSP गांधीनियन प्रिंसिपल्स में पड़ता है. ठीक है. द सैलरीज एंड अलायंसेस पेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाई द सैलरीज एंड अलायंसेस पेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाई इट इज द डिसाइडेड बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट डिसाइड करती है. The authority to prorogue the two houses of the parliament rests with the president, who is competent to dissolve the parliament of India. तो dissolve कौन कर सकता है? ये president of India जो है dissolve कर सकते हैं parliament को. ठीक है. The secretary general of the Lok Sabha is the chief of its secretariat and is अपॉइंटेड बाई द स्पीकर. तो ये सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर द्वारा. वेन वो जीरो आवर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट्री अफेयर. अच्छा, जीरो आवर जो है ना ये कम्प्लीटली इंडिया का कॉन्सेप्ट है. ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1962. ओके. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बिन फिक्स्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 250 फॉर राज्यसभा. ये तो मैंने बताया था. एंड सो इट इज़ 545 फॉर लोकसभा एंड 250 फॉर राज्यसभा. इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी सीट्स शुड हैव इट शुड हैव 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. ओके. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिसेबल बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस बिटवीन द पार्लियामेंट? इट इज 6 months. ठीक है, गैप उतना 6 months का रहना चाहिए मिनिमम. सॉरी मैक्सिमम. वॉट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ कैंडिडेट टू सेक इलेक्शन टू द लोकसभा? ये भी बता दिया मैंने कि ये 25 साल होगा, 30 राज्यसभा के लिए और 35 जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए. वॉट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा? अभी तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इनवैलिड हो गया क्योंकि अभी GST आ गया एंड काफ़ी टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है. बट फिर भी सिर्फ अभी भी ना मतलब कॉरपोरेशन टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. ठीक है. वेन द ऑफिस ऑफ बूथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेकेंट, हु विल डिस्चार्ज देयर फंक्शंस? तो मैंने बताया था ना आपको हिदायतुल्ला, जस्टिस हिदायतुल्ला के बारे में कि क्या हुआ था. प्रेसिडेंट एबसेंट, वाइस प्रेसिडेंट एबसेंट, तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ये एक बार हुआ है. हु इज एलिजिबल टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट ओवर अ बिल इन अ जॉइंट पार्लियामेंट सेशन? ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है. क्यों कास्टिंग वोट बोलते हैं इसको? पता है कास्टिंग वोट भी बोलते हैं, CASTING. कास्टिंग वोट किससे रिलेटेड है? लोकसभा स्पीकर से. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा का कोई भी जो है रिप्रेजेंट, कोई भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा किस पे डिपेंड करता है? ये जो है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पे डिपेंड करता है. ठीक है. इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट में क्या देखे थे कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं तो हम लोग चुपचाप मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली. एंड स्टेट असेंबली जो है, स्टेट असेंबलीज नहीं एक्चुअली, ये जो है ना, अगर मतलब मैं इसको फॉर्म करूँ तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल तो नहीं करता है, तो स्टेट असेंबलीज बोलने पे तो असेंबलीज लिखा हुआ है. यहाँ पर्टिकुलर कोई आंसर, देखिए मैं आपको बता दूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन करता है. इलेक्टेड मेंबर्स तो हमेशा ध्यान रखिए, लोकसभा, राज्यसभा और जो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLC और SLA होता है ना, तो SLC नहीं करेंगे लेकिन SLA के लोग जो है वो पार्ट लेंगे. और सब अब जानना चाहिए आपको कि 6 राज्यों में जो है अभी SLC है और SLA सब में रहता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 6 राज्यों में, किस में बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में. ठीक है.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी समंड एटलीस्ट देखिए बोला है ट्वाइस, मतलब 6 महीने का गैप पड़ रहा है ना, तो 2 बार हो जाएगा, तो एटलीस्ट बोला है। और अगर ऐसे तो 3 सेशंस होता है ना, तो 3 बार तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो 6 महीने के गैप में 2 बार तो मिलना ही चाहिए, मैंडेटरी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द वो क्या वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा अभी नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हम लोग के, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और ये जो है ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेंकैया नायडू, इसके पहले तो हम लोग देखते थे ना कि वो जो है उनकी कुर्सी पे बैठे रहते थे, मतलब राज्यसभा का जो हाउस ऑफ प्रेसिडिंग चलता रहता था, तो वेंकैया नायडू जी जो है चेयरमैन थे, बने के बैठते रहते थे राज्यसभा में। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द, ये जो है ब्रिटिश मोनार्क की तरह सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स, नेशनल पर्स का कस्टोडियन कौन है, तो लेजिस्लेचर है, ठीक है। हु कैन बी द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा, अच्छा ये लोग क्या होंगे, आपको हम एक चीज़ बता दें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के बनते हैं ना, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के रहते हैं मेंबर्स। तो ऐसे मेंबर्स, मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो लोग लोकसभा में भी बोल सकते हैं, ठीक है। वॉट आर दी रेसिडरी पावर्स, रेसिडरी पावर्स क्या होते हैं, की पावर्स विच आर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, नहीं वो तो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, यूनियन लिस्ट नहीं, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट 7th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, तो इसका आंसर हो गया पावर्स 4, पावर्स विच आर नॉट मैंशनड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, ठीक है। हाउ मैनी मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट, ये जो है 12 हो गया। लोकसभा का मेम्बरशिप जो एंग्लो इंडियंस का था वो हट चुका है, ठीक है। Which of the following is not a tool of legislative control over administration in India? ठीक है, मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि legislative control किससे नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा dissolution of the house. Dissolution of the house is not a legislative control over administration of India. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India by, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको कौन चूज़ किया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चूज़ की थी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी तो बता दिया मैंने क्या, इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ओनली। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई, ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी तो बता दिया ना कि इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड जहाँ भी, यहाँ देखिए सिर्फ मेंबर्स है, काट के एकदम हटा दीजिए, मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द ये और जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द अमोशन मूव्ड बाई द मेंबर इन अ लेजिस्लेचर वेन इट इज डिजायर्ड टू हैव अ डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट विथ द सैंक्शन ऑफ, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब तक, तब तक नहीं सैंक्शन किया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट उसको सैंक्शन नहीं करे। द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट, कैन बी अमेंडेड, इट कैन अमेंडमेंट बाई द पार्लियामेंट अलोन, पार्लियामेंट खुद ही बैठ के जो है प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन, इट इज़ इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, थोड़ा लॉजिक लगाइए कि इकोनॉमिक प्लानिंग तो मतलब क्या है कि अपना इकोनॉमी का प्लान, तो ये तो सेंट्रल को करना ही करना पड़ेगा, और स्टेट भी अगर अपना इकोनॉमी बैलेंस नहीं करे, अगर मेंटेन नहीं करे, तो फिर तो वो घाटे में चली जाएगी ना, एक्सपेंसेस आएंगे कहाँ, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट। अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा शुड नॉट बी लेस देन, तो उसका एज जो है 30 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए। द यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफकोर्स वी नो द 3 पिलर्स का है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा, ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑफ लोकसभा इट इज 545, ओके। हाउ मेनी रीडिंग्स डज अ नॉन मनी बिल हैव इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, 3 रीडिंग्स, ठीक है, मतलब नॉन मनी बिल का 3 रीडिंग होता है।
बाई विच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फॉर अ ईयर? बाई फिनेंस बिल, जो है फिनेंस बिल के थ्रू जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है इससे, ठीक है. द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इफ, अच्छा, इमरजेंसी अंडर 352 इज इन ऑपरेशन, ऑल द स्टेट असेंबलीज ऑफ अ कंट्री मेक सच रिक्वेस्ट, द प्रेसिडेंट सेंड सच अ मैसेज टू द पार्लियामेंट. तो इसका एक्चुअली आंसर होगा वन, क्योंकि आप देखिए कि जब स्टेट में इमरजेंसी लगा रहेगा ना, तब जो है पार्लियामेंट स्टेट के लिए रूल्स बनाएगी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ थ्री टाइप्स का इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, गवर्नर प्रेसिडेंशियल रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी. द इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 months. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, यहाँ पे ना सिर्फ मेंबर्स होगा, इलेक्टेड नहीं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स इसमें पार्ट नहीं लेते हैं. अ बिल रेफर टू अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड टू बी पास बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है. हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट. हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी अ मनी बिल इन इंडिया? ये स्पीकर करते हैं, स्पीकर के साइन होने से वो मनी बिल हो जाता है. राज्यसभा इज डिजॉल्व्ड आफ्टर, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, उसके मेंबर्स जो है 1/3 मेंबर्स एवरी 2 years पे रिटायर करते हैं, ठीक है. इन केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन, टू होम ही इज टू गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर, तो वो जो है ना वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिजाइन करना होगा तो वो प्रेसिडेंट को देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल का पब्लिक अकाउंट कमिटी है, एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर. द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड कास्टिंग वोट, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया. देखिए आप एक्सप्लेनेशन सुनिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत मदद मिलेगी आपको. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड क्या, काउंसिल मतलब कॉम में कौन कौन रहता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है. तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स तो रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स MOS ये भी रहते हैं, और उसके बाद ना मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो भी रहते हैं, बट कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं रहते, ठीक है. तो आंसर हुआ सी. Although union, state and concrete list cover the entire legislative business, yet there may be an item not mentioned anywhere. Who will legislate? मतलब ये, अच्छा ये कौन सा होता है चीज़, पहले ये बताइए, रुकिए, कि जो नॉट मैंशन मतलब क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है रेसिड्यूरी पावर के बारे में, जो कि हम लोग बात किए. तो अब आप ये बताइए कि रेसिड्यूरी पावर के बारे में बताया था ना मैंने, कि कौन इसमें लेजिस्लेट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर थोड़ी करेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट इट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, इट इज़ बाई कैमरल, इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिजॉल्व. अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सारे ही इंडियन पार्लियामेंट के फीचर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिजॉल्व. हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन? वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, कोई जैसे बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर US का पूछता है ना, US का, तो वो 2 times होता है, ठीक है. मैच करना है list 1, list 2 से. अच्छा द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, list 1 में है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अच्छा इसके बारे में स्पीकर का, अच्छा स्पीकर का सिंस हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए मैं पहले इसको लूँगी. डी का क्या होगा? 3, मतलब ये लोकसभा में इलेक्ट हो जाते हैं ना स्पीकर, अमंग देमसेल्स उन लोग करते हैं, तो डी का 3 कहाँ है? डी का 3 सिर्फ और सिर्फ एक आंसर में, लेकिन हम लोग और देखेंगे, रुकिए. प्रेसिडेंट का भी एक्चुअली इलेक्शन हम लोग बात कर चुके हैं, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन रहता है, ये जो है इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है. अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ही लोग ना करने जाते हैं लोकसभा का इलेक्शन का कंडक्शन, और उसके बाद क्या है वाइस प्रेसिडेंट, इट इज इलेक्टेड बाई द पार्लियामेंट, मतलब सी का हुआ 2, आंसर हुआ 4. कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा फिर से, नहीं समझ में एक बार लेक्चर भी देखिएगा फिर से क्या बोला मैंने रिपीट करके.
विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन सा अपॉइंटमेंट नहीं होता, स्पीकर तो इलेक्टेड रहते ना, तो फिर इनका तो नहीं होगा, चीफ जस्टिस करते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी, तो ये जो है वन हो गया। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ रिसेंटली रेज्ड, ये क्वेश्चन मत करिए, ये 2008 का क्वेश्चन है और ये आपको अब नहीं लगेगा। वॉट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टेन्योर देखिए इसका आंसर होगा 5 years मत करिएगा, एज लॉन्ग एज ही इन्जॉय द सपोर्ट ऑफ, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा नहीं कि बस खत्म, उसके बाद मेजॉरिटी अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो प्राइम मिनिस्टर जी हो जाएंगे, नॉन प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट, देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पीरियड ऑफ 6 months मस्ट लैप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अनदर। देखिए ये मैंने आपको बताया है कि 100 तो होगा ही नहीं, तो आपको सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए ना कि डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि 50 मेंबर्स लगते हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए। आंसर कैसे निकाला जाता है मैं आपको वो सिखा रही हूँ। अब आप देखिए ऑप्शन सी बी 3 में भी है और 2 में भी है, तो दो ऑप्शन तो आप आराम से कर लिए। अब देखिए इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ये भी मैंने बताया है, तो डी तो खैर है ही। अब ए और बी में देखिए एक बार के लिए मैं पकड़ लूँ कि आपको ए नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि अ पीरियड ऑफ 6 months मस्ट लास्ट बिटवीन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अदर, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मतलब बी और डी। ठीक है, हु हेल्ड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive terms, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बारे में मैंने बताया आपको, अगर आप सुन रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन, उसमें भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनिए लेक्चर्स को, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, अपना नॉलेज बढ़ाइए, जहाँ डाउट है पूछिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। When there is a vacancy in the office of president and the vice president at the same time, the office is held temporarily by, this has been discussed by me a lot number of times, that is, it is held by the Chief Justice of India, the parliamentary committee which scrutinizes the report of the controller and auditor general of India is, CAG जो है, CAG का report कौन ये करता है, देखता है, मतलब scrutinize करता है, तो वो pack करता है, pack. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द आई गेस द रिकॉर्डिंग हैड स्टॉप्ड, आई विल कंटिन्यू अगेन, वेट, ये मैं जस्ट मार्क कर दे रही हूँ, कोई डाउट हुआ तो पूछेगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाई दी प्रेजेंट, क्योंकि स्पीकर इलेक्टेड होते हैं, ये करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जब तक एज लॉन्ग एज ही इन्जॉयज दी सपोर्ट, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन लगने पे वो हट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैंने बताया है कि फिर इसका आंसर कैसे निकालना बता दे रहे हैं कि एटलीस्ट 100% तो मत ही, 50 मैंने बताया बहुत बार। उसके बाद भी ये सिर्फ लोकसभा में होगा ये भी बताया है, पीरियड ऑफ 6 months मस्ट पास ये भी बताया, तो बी और डी तो होगा कन्फर्म, सी होगा ही नहीं, तो ये हट गया, ये हट गया, 1, तो इसका आंसर ये हो गया। एंड देर इज़ नो मैंशन, ये गलत है, इट हैज़ बीन मैंशनड। ठीक है, हु लेट द ऑफिस फॉर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2 times, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 times हुए थे, और ये जो पहले हम लोग डिस्कस किए इसमें डिस्कस किया हुआ था, व्हेन देयर इज अ सब वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आते हैं उस टाइम पे, इन द पार्लियामेंट्री कमिटी विच स्क्रूटिनाइजेस द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो स्क्रूटिनाइज करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड होते हैं वो, सॉरी द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट करते कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, विच इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS होता है, IPS होता है, IFS मतलब इन फॉरेन सर्विस, लेकिन इन फॉरेन सर्विस फॉरेन देखिए IFS और ये IFOS। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, ये देते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। ठीक है, अ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस रह सकता है फॉर 6 months, और उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देने वाला है कि 1.5 months मतलब कि 6 weeks के लिए वेट करते हैं कि वो जो है ऑर्डिनेंस लॉ बने अगर पार्लियामेंट में, तब तो ठीक है, नहीं बने तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन, ये क्वेश्चन अब बॉयड है, अगर बोलता यूज टू बी नॉमिनेटेड तो 2 होता, लेकिन अब ये नहीं होता है। ठीक है, अब अमेंडमेंट कर दिया गया है।
हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये जो है इसका आंसर आप लीजिएगा 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये इनिशिएशन का बात हो रहा है, बाद में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, इनिशिएशन 1/4 करेंगे. वॉट कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉट कैन द प्रेसिडेंट डू इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये एक्चुअली हम लोग सॉल्व किए ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर चेंज हो जाए तो हम लोग ही कैन डिक्लेयर द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन एन इंडियन स्टेट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई द पार्लियामेंट विद इन अ पीरियड ऑफ, ये 2 months हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी 1 month और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 2 months. द सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 97. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द, ये बताया था मैंने, ये मैंने बताया था कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. Evaluate the following statements. The President of India can be impeached by the Indian Parliament. The President of India can be removed by the Indian Parliament only with the approval of Chief Justice of India. नहीं, Chief Justice का कोई role नहीं है यहाँ पे. तो बी तो एकदम से गलत हो गया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाई द इंडियन पार्लियामेंट, ये तो ठीक है. और पार्लियामेंट के साथ साथ वो मतलब और जैसे आपको कुछ कुछ प्रोविजंस होता है कि प्रेसिडेंट को 14 डेज का टाइम देना पड़ता है. ये जब मैं इम्पीचमेंट का भी बताऊंगी तो बहुत एक्सप्लेन करके बता दूंगी, लेकिन ये ऑप्शन ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 years, ये कब होता है, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे होता है, ये एक ही बार हुआ है. ठीक है, हाउ अमंग द टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज. तो अभी तो खैर देखिए GST है तो GST से सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है. ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप पकड़ लीजिए कि कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स को मिला के डायरेक्ट टैक्सेस में हो जाएगा. फॉर द टाइम बींग इसका आंसर GST रखिए. ठीक है, क्योंकि अब GST आ चुका है, GST से मैक्सिमम कलेक्शन होता है. What is the maximum strength prescribed for state legislative assembly? तो ये 500 का strength maximum बताया गया है. If the Anglo-Indian community does not get adequate representation in the Lok Sabha, 2 members of the community can be nominated by the, नहीं ये vague question हो गया. It used to be ये, but अब तो जो है हटा दिया गया ना provision, अब तो amendment हो गया. तो प्रेसिडेंट पहले करते थे. फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए. अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही इज कंटिन्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम सेशंस फ्रॉम, ये अगर जो है कंटिन्यूअसली 60 days के लिए, मतलब 2 महीने के लिए. ठीक है, इन इंडिया द रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड विद, ये तो बता दिया यूनियन गवर्नमेंट, पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया है. विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, ये 0R 0R, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए समझाया था कि 0R इंडिया का कॉन्सेप्ट है. इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, ये तो थी 3 pillar, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इलेक्टेड हाउस ये लोकसभा है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू असर्टन द पब्लिक ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन. पब्लिक ओपिनियन किससे लिया जाता है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, रेफरेंडम के थ्रू. ठीक है, रेफरेंडम. द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट ओनली इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट ऑफ, ये भी अ वेग क्वेश्चन है, क्योंकि अब पता है कि अक्टूबर 31st को जो है जम्मू एंड कश्मीर अब जो है UT है और अब वो सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश है. तो अब जो है ये नहीं आएगा क्वेश्चन. ठीक है, और किसका कौन सा आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ था, 370 आर्टिकल 370. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, फाइंड आउट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है इसमें से. तो वो जो
तो बाकी सारे तो लॉ मेकर्स हो गए ना, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, ये तो जुडिशरी के पार्ट हो गए. एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. द वोटिंग एज ऑफ इंडिया वॉज लोअर फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स. बताया था ना राजीव गांधी जी के टाइम पे हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था 61st. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इन टू थ्री लिस्ट. सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट, ये एंग्लो इंडियन कमेटी का ये टू होता लेकिन अब नहीं होता है. द जॉइंट सेशन सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाई कॉल कौन करता है, कहाँ गया क्वेश्चन. हाँ, तो इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाई स्पीकर, और इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट. ठीक है. ऑन द सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द कॉन्करेंट लिस्ट लॉज मे बी इनैक्टेड बाई कॉन्करेंट लिस्ट यू स्टेट्स एंड यूनियन ऑफकोर्स यूनियन टेरिटरीज ने. यूनियन टेरिटरीज का चुपचाप जो है दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के ना सेंटर अपना बना देता है, लेकिन यहाँ पे यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में जहाँ भी हम लोग पढ़े ना, एडुकेशन है, इकोनॉमिक ये है, इकोनॉमिक्स जो है. राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स. द जॉइंट, अगर आप ना मेरा एक्सप्लेनेशन सुन रहा बहुत बेनिफिट होंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए और इसको इम्बाइब करने की कोशिश करिए. जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज, तो ये सम्मान मतलब बुलाता कौन है, अभी मैंने बोला ना सम्मान करते बुलाते हैं प्रेसिडेंट. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन मे बी नॉमिनेटेड, अरे यार ये होगा नहीं अब टू, ठीक है, लेकिन होता नहीं है अब. हु इज रेफर टू अ सुप्रीम कमांडर एट ऑफ फोर्सेज, ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट. ठीक है. विच आइटम ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में जो है क्या क्या रहता है? तो देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है, मार्केट एंड फेयर जो है ये ना लोकल बॉडीज के हाथ में, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रेड यूनियंस. ठीक है. द रेसिडरी पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड विद द सेंटर. ठीक है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द राज्यसभा आर, 12 लोग को करते हैं, और किस किस कैटेगरी से करते हैं आप क्लास वर्ड याद रखिए और उसके बाद सी हटा दीजिए. लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस. और सचिन तेंदुलकर, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, सचिन तेंदुलकर को आर्ट्स के कैटेगरी से जो है नॉमिनेट किया गया. तो स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन आपको स्पोर्ट्स दिखा कहीं? दिखा नहीं, तो इनको भी आर्ट्स के सेक्शन में से राज्यसभा में नॉमिनेशन दिया गया था. यहाँ क्या है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कौन कर सकता है, मतलब कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी डन बाय राज्यसभा विथ कंकरेंस ऑफ लोकसभा. ठीक है. अ मिड टर्म पोल इज कंडक्टेड व्हेन, द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म. अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ, मतलब ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, ये 1 मंथ में कर देना चाहिए, मैंने कर देना होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो देखिए, ये ना एक्सपेंडिचर ऑन 5 ईयर प्लान्स, ये करंट अकाउंट से जाता है. ठीक है. स्टेट और सेंट्रल, जो सेंट्रल जो स्टेट को देगी अपने करंट अकाउंट्स के बैलेंस से, उसमें से जाता है. और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होता, लेकिन ये जो यूपीएससी के मेंबर को पैसा दिया जाता है तो उनका सैलरी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी, और डेट चार्जेस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कंसोलिडेटेड फंड से जाता है. ठीक है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल. ठीक है. एंड एज वेल एज इन ईच ईयर ऑल्सो, मतलब दोनों ही टाइम होगा. ठीक है. तो ये बोथ होगा, 1 एंड 2. इम्प्लीमेंटिंग लॉज इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा लॉ बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर. और लॉ सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं ये कौन देखेगा? जुडिशरी. तो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव. ठीक है. एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, ई कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन. कैन अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर? यस, लेकिन क्या होगा कि उनको जो है ना 6 मंथ्स में
बन जाना पड़ेगा एमपी, तो येस बट ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन राज्यसभा भी डिजॉल्व. राज्यसभा किसी भी सिचुएशन में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा. हु कैन लेजिस्लेट ऑन दोज रेसिड्यूअल मैटर्स विच आर नॉट मैंशनड इन सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये तो बताया है ना, रेसिड्यूरी पावर के बारे में कौन करता है, पार्लियामेंट अलोन. ठीक है. द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाई, इट इज डिसाइडेड बाई द पार्लियामेंट. Who held the office of Vice President of India for 2 full terms? Sarvepalli Radhakrishnan. What is the correct order of succession earlier to later among the following presidents of India? ठीक है, तो presidents बोल रहे हैं. अच्छा, तो राधाकृष्णन जी ने जो है ना, ये सबसे पहले आएंगे क्योंकि earlier बोल रहा है. तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बताया था कि सेकेंड प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट बने फिर सेकेंड प्रेसिडेंट. तो अगर आपको सिर्फ ये पता है तो भी आप आंसर के उसमें पहुंच जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन है. जाकिर हुसैन जी हैं, फिर जो है विवी गिरी, और फिर उसके बाद जो है फखरुद्दीन अली अहमद. इफ़ द प्रेसिडेंट सॉरी इफ़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंटेंड्स टू वेकेट हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही सेंस हिज रेजिग्नेशन टू स्पीकर, देता है डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी पर जो है लोकसभा स्पीकर का रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट करते हैं. द पार्लियामेंट एन्जॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन. तो एक्सक्लूसिव राइट मतलब पार्लियामेंट के पास अगर स्टेट लिस्ट का कब बनाते हैं, जब वो नेशनल इमरजेंसी का, लेकिन यूनियन और कंकरेंट लिस्ट का वो बना सकता है दोनों का, तो डी होगा ऑप्शन. ओके. अ बिल इज सर्टिफाइड अ मनी बिल इन लोकसभा बाई, इट इज सर्टिफाइड बाई द स्पीकर ऑफ लोकसभा. वेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट एबसेंट है, ठीक है, तो और वो मतलब प्रेसिडेंट की वैकेंसी है और उस टाइम पे अगर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा है ना, तो वो जो है प्रेसिडेंट का सैलरी लेंगे. ऐसे भी ना वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी अलग से कुछ नहीं होता, वो जो राज्यसभा मेंबर का जो सैलरी रहता है वो ही लेते हैं. ठीक है. हु प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. तो जॉइंट सिटिंग का प्रेसाइड करते लोकसभा स्पीकर. राइट टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रेस्ट्स विथ, ये राज्यसभा का नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं. मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा इज, लोकसभा का इलेक्शन जो है कौन कर पाता है, तो मतलब 25 साल के नीचे नहीं कर पाते. द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बिलोंग्स टू, देखिए ये फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट कर रहे थे, लेकिन इनिशियल जो है इनिशिएट करता है स्टेट लेजिस्लेचर. अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से क्रिएट और अबॉलिश कर देता है, और इसका आर्टिकल है 169. ठीक है, 169. विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया. तो कौन सा नहीं इमरजेंसी जो है अभी तक कौन सी इमरजेंसी ही नहीं किया गया, वो फिनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 का, 352 नेशनल, 356 जो है स्टेट इमरजेंसी, और ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी. स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज द राइट टू वोट, नहीं राइट जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं, राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ अटाई, जिसको कास्टिंग वोट भी बोलते हैं, कास्टिंग वोट. ठीक है. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ, उस टाइम पे तो हेड मतलब प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट. ठीक है. The Committee on Subordinate Legislation deals with, it deals with delegated legislation. ठीक है. Rajya Sabha has no role in, of course, the election of speaker, क्योंकि वो तो लोकसभा के MPs खुद में ही कर लेते हैं. ठीक है. When the post of both the President and Vice President are vacant, who among the following officiates, Chief Justice of the Supreme Court. The policy that deals with the tax and expenditure policies of the government is called. तो ये tax और ये सब ना fiscal policy और monetary policy किसका होता है, RBI का होता है, RBI. ठीक है. Delimitation of Lok Sabha constituency was last done in the year. अच्छा, यहाँ पे ना कोई भी option सही नहीं, क्योंकि अभी का जो delimitation है वो 2001 के according में हुआ, 2002 census के उसमें, तो ये तो गलत है. यहाँ options आपका आए तो 2001 mark करिएगा. If the Speaker of Lok Sabha wishes to tender his resignation
हिज रेजिग्नेशन ही हैज़ टू एड्रेस हिज लेटर टू डेप्यूटी स्पीकर. ठीक है. अच्छा, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं. तो करेंटली देर आर मैनी 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 अदर क्वेश्चंस. आपको अगर फ्रूटफुल लगा और अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ब्रिंग मोर. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एज ऑफ नाउ.